वेलकम टू फिल्मी बीट। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की नई जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल एक्टर वरुण धवन ने कुछ समय पहले ही ये ऐलान किया था कि वो डायरेक्टर शशांक खेतान के साथ एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर करने जा रहे हैं। मीडिया को मेकर्स ने ये तक जानकारी दे दी थी कि वरुण धवन और शशांक खेतान की इस फिल्म में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा एक्शन दर्शकों ने हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा होगा और ये पहला एक्सपीरियंस होगा जब बॉलीवुड फिल्म में इतने बड़े लेवल पर एक्शन नजर आएगा। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वरुण धवन और शशांक खेतान की ये एक्शन थ्रिलर ठंडे बस्ते में चली गई है। मीडिया के सामने आई ताजा जानकारी के मुताबिक वरुण धवन और शशांक खेतान ने अभी इस फिल्म को फ्लोर पर ना लाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए जो आइडिया शशांक को आया था वो बहुत ही कमाल का था, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर फिल्म मेकर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शशांक खेतान अपने आइडिया को पेपर पर ठीक तरह से उतारने में नाकामयाब रहे हैं, जिस कारण उन्होंने अभी इसे ना शुरू करने का फैसला किया है। शशांक खेतान ने एक मीडिया को इंटरव्यू में बातचीत के दौरान ये बात बताई है, इस फिल्म को हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके प्री प्रोडक्शन पर अभी थोड़ा और वक्त देना होगा। मैं इसकी स्क्रिप्ट पर जल्द ही काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये दर्शकों के मुताबिक बना पाऊं। स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद जैसे ही मुझे बजट मिलेगा वैसे ही मैं इस फिल्म को शुरू कर दूंगा। आखिर में बात करते हुए उन्होंने बताया कि हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल जैसी एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते हैं, जिस कारण उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसी फिल्म में जबरदस्त प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि शूटिंग के समय कोई परेशानी ना आए। फिलहाल हम जल्द ही उम्मीद करते हैं कि वरुण धवन इस फिल्म के साथ फ्लोर पर आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।